न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। महाविकास आघाड़ी 2024 में राज्य की सत्ता में आएगी, एकनाथ खड़से। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोलापुर जल मुद्दे पर भाजपा कार्यकर्ता आक्रामक। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाविकास आघाड़ी 2024 में राज्य की सत्ता में आएगी, जी हां, एकनाथ खड़गे। अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए, बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए क्या किया गया है, मैं खुद इसका गवाह हूं, जी हां। दो बार में कार सेवक के रूप में अयोध्या गया, वहां पुलिस की काफी पिटाई हुई है, मैं इस घटना का गवाह हूं। मुझे पता है कि कौन शामिल था और कौन नहीं। मैं दोनों बार गया था, 15 दिनों तक जेल में रहा, तो मुझे पता चला कि उस जगह पर किसी पार्टी के कोने से लोग मौजूद थे, जी हाँ। राज्य में तीनों पार्टियों एक साथ रहेगी और महाविकास आघाड़ी 2024 में सत्ता में आएगी। प्रदेश में महाविकास आघाड़ी मजबूत है। चंद्रकांत पाटिल का ये कहना है कि तीन पार्टियों को एक साथ रहना मुश्किल है, गलत है, जी हाँ। 32 पार्टियों एक हुई, देश भर की 32 पार्टियों को एकजुट कर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने रहे, जी हाँ। तो फिर तीनों पार्टियों के एक साथ ना रहने की क्या वजह है? राज्य मधले महाविकास आघाड़ी मजबूत है आणि तीन पक्ष एकत्र राहणार नाही असं जे त्यांचं म्हणणं आहे ते चुकीचं आहे, कारण अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना 32 पक्ष एकत्र होते। मग देशभरातील 32 पक्षांना एकत्र करून पंतप्रधानपदी माननीय अटलजी राहिले, तर या ठिकाणी तिघी पक्ष एकत्र न राहण्याचं कारण काय? तिन्ही पक्ष एकत्र राहतील, 2024 सत्तेमध्ये येतील। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उद्धव ठाकरे के 19 बंगले देखने के बाद आरोपी मिसाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जी हाँ। रश्मि उद्धव ठाकरे ने एक पत्र लिखा है जिसमें मेरे पति को घर ट्रांसफर करने का पत्र है, जी हाँ। अनवियन नाइक की जमीन पर 19 बंगले थे, 2 महीने में रश्मि ठाकरे के और वायकर के नाम पर ग्राम पंचायत हुई। बंगले की मार्केट वैल्यू 9.5 करोड़ रुपए की है। शिकायत की 19 बंगले चोरी हो गए, जी हाँ। FIR दर्ज कर ली गई है और जांच की जा रही है, पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि छिपाए थे 19 बंगले, जी हाँ। अपने और रविंद्र वायकर ने उन बंगलों को गायब कर दिया, पति पत्नी को जवाब देना होगा, जी हाँ। मनीषा वायकर के नाम पर बंगले किए गए, रविंद्र वायकर उद्धव ठाकरे की जाँच होनी चाहिए, जी हाँ। धोखाधड़ी की गई है और इसका जवाब देना होगा। उद्धव ठाकरे और रविंद्र वायकर के मामले में उसकी पत्नी ने मेरे परिवार को जवाबदेही ठहराया है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रायगढ़ पुलिस पर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए, उनसे सामने वाले की नाकामी के बारे में पूछा जाना चाहिए, जी हाँ। सावरकर EVM विवाद झूठे हैं। भाजपा के चुनाव तब आए जब कांग्रेस सत्ता में ही थी, जी हाँ। कभी सावरकर, कभी अडानी, कभी EVM अपनी गरीबी छिपाने के लिए, ये एक बार था। NCP पर राष्ट्रवादी और सॉरी, मेरा एक सवाल है कि क्या अब NCP को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा? रश्मि ठाकरे ने 19 मई 2019 को कोरले गांव के सरपंच को पत्र लिखा था कि मैंने अन्वय नाइक के पास से 30 अप्रैल 2014 को जमीन और 19 बंगलों खरीदे हैं, वो मेरे नाम पर किए जाए। ग्राम पंचायत ने 2019 जुलाई में ये बंगलों रश्मि ठाकरे के, रविंद्र वायकर की पत्नी मनीषा रविंद्र वायकर के नाम पर किए। उन्होंने दोनों ने जब चुनाव लड़ा तो अपने एफिडेविट में ये बंगलों जिसके आज मार्केट वैल्यू 9.5 करोड़ है वो छुपाई, और इसलिए हमने चुनाव आयोग को शिकायत की, आयकर को, इनकम टैक्स को शिकायत की। दोनों ने इसकी स्पष्टता जानना चाहिए। जब चोरी पकड़ी गई तो 2021 के अंत में उद्धव ठाकरे और रविंद्र वायकर ने ये 19 बंगलों गायब कर दिया, और वहां के रायगढ़ जिलाधिकारी ने अधिकृत पत्र लिखा चुनाव आयोग और मंत्रालय को कि 19 बंगलों की चोरी हो गई है, और इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए
फरवरी 2023 में रायगढ़ पुलिस ने FIR दर्ज की है। हमारी मांग है कि कल जो उद्धव ठाकरे सेना के सरपंच जो इस घोटाले में इन्वॉल्व है उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसका जो मुख्य लाभार्थी है, मेन लाभार्थी उद्धव ठाकरे रविंद्र वायकर है, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। 19 बंगलो पत्नी के उन्होंने कहां छिपाए हैं। सोलापुर जल मुद्दे पर भाजपा कार्यकर्ता आक्रमक। जी हां, सोलापुर जल मुद्दे पर भाजपा आक्रमक। भाजपा ने नगर निगम आयकर धरना दिया। जी हां, बीजेपी के पूर्व पार्षद साथ आए और जमकर नारेबाजी की। शहर में अनियमित व दूषित जलापूर्ति को लेकर आक्रोश। त्योहारी सीजन में जलापूर्ति बाधित होने से भाजपा कार्यकर्ता नाराज है। गर्मी में जलापूर्ति बाधित होना। जी हां, नगर निगम के बोर की मरम्मत का कोई प्रावधान नहीं है। चार महिन्यापासून सोलापूर महानगरपालिका वर जे प्रशासन बसलेलं आहे, ऐन सणावारीच्या निमित्ताने पाणीमधील पाणी पुरवठा विस्कळीत करतात आणि मागच्या एक महिन्याखाली त्यांनी विनंती केली होती, सर्व सोलापूरकरांना आवाहन केलं होतं की स्काडा मीटर बसवण्याचं कार्यक्रम हाती घेतण्यात आलेला आहे आणि या निमित्ताने सर्व सोलापूरकरांनी सुद्धा त्यांना सहकार्य केलं। पण आज आपण बघतो की 2.5 महिने झालेले आहेत तरी त्यांचं पाणी जे विस्कळीत झालेलं आहे पुरवठा ते आजपर्यंत सुरळीत झालेलं नाही। लोकांच्या संयमाचं जे बांध आता फुटलेलं आहे। आज आपले उन्हाळ्याचे दिवस आहेत आणि सर्वसामान्य महिला असतात, आमच्या माता भगिनी असतात, त्यांना रोजच्या घरातल्या कामांमध्ये पाणी मिळालं नाही तर अनेक अडचणी सामोरं जावं लागतंय आणि जे काम करणारे असतात त्यांना तर खूप अडचणी सामोरी जावं लागतात। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चैनल दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।